बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 14 फरवरी से शुरू है और 14 फरवरी का पहली पाली में मैथ का जो परीक्षा है उसका क्वेश्चन यहाँ पे लीक होने की खबर आई है और सेकेंड पाली में भी मैथ की परीक्षा है और यहाँ पे जो इंटरनेट पे जो क्वेश्चन है वो पहले से ही बहुत सारे छात्रों के पास पहुँच चुके हैं और बहुत सारे छात्रों के पास सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि पिछले साल जैसा हुआ था इस साल भी वही हो रहा है। पिछले साल भी साइंस के दिन जो है इस तरीके से पेपर जो है वो आउट हुए थे और बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, उसके बाद जो पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था और इस बार भी बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो पहले से इंटरनेट पे जारी कर दिया गया है। और ऐसे में नुकसान वैसे छात्रों को होता है जो पूरी तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, वो तो पूरी तैयारी से जाते हैं, और ऐसे में फायदा उन छात्रों को हो जाता है जो बिल्कुल तैयारी नहीं करके जाते हैं और उनके पास क्वेश्चन पहले से आते हैं और वो सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे बना के चले आते हैं। तो ऐसे में अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो जिनका एग्जाम अच्छा गया उन्हें कहीं ना कहीं टेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट आपको दी जा रही है, इस बार भी जो मैट्रिक का पेपर है वो यहाँ पे रद्द हो सकता है और ये परीक्षा जो है अलग तिथि में आयोजित कराई जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो यहाँ पे जो है आउट होते हुए दिख रहे हैं और छात्रों के पास जो है व्हाट्सएप के जरिए और बहुत सारे छात्र जो है ठीक है के पास क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप के थ्रू। अब ऐसा देखना ये होगा कि क्या ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा सटीक पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन सटीक पाई जाती है तो बिहार बोर्ड की ये मैट्रिक की परीक्षा फिर से एक बार रद्द हो जाएगी, चाहे वो प्रथम पाली की हो या द्वितीय पाली की हो। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इसका घोर विरोध किए थे तेजस्वी यादव ने और उसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ लिया था और जिसके बाद पेपर जो है वो कैंसिल करना पड़ गया था बिहार बोर्ड को और फिर से इसकी परीक्षा ली गई थी जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। छात्रों ने एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत ज्यादा पथराव भी किए थे क्योंकि बहुत सारे छात्रों के पेपर अच्छे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि फिर से एक बार एग्जाम देना, फिर से मेहनत करना, यानी बहुत ज्यादा समस्या होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आउट हो रहा है तो बिल्कुल चिंता का विषय है। बिहार बोर्ड को इस पे जरूर से विचार करना चाहिए क्योंकि आज पहली परीक्षा है। मैट्रिक के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटर का परीक्षा पहले से हो चुका है। इंटर में पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ था और इस बार भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में यहाँ पे फिर से वही चीज़ दोहराया जा रहा है। आप बता दें कि क्वेश्चन जो है आउट होता है तो बिहार बोर्ड फिर से एग्जाम है कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, तो ऐसे में अगर बिहार बोर्ड सही पाई जाती है यानी क्वेश्चन सही पाया जाता है, बिहार बोर्ड इसे सही देखती है, तो कहीं ना कहीं फिर से आपका जो मैथ का पेपर है वो फिर से लिया जाएगा और फिर से लिया जाएगा तो सभी सेंटरों का लिया जाएगा, यानी कि सभी छात्रों को फिर से एक बार एग्जाम देना पड़ सकता है मैट्रिक के मैथ का पेपर का। हालांकि अभी सेकेंड सीटिंग का देखना है कि सेकेंड सीटिंग का क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी मैट्रिक की इस चैनल पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी छात्रों को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, बने रहें इस चैनल पे।